मोर्चा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी साल भर पढ़ाई करते हैं, उनको एग्जाम के पहले अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने इतना काम कर दिया है झारखंड के लिए और हर दिन कर रहे हैं, इतनी योजनाएं उन्होंने लॉन्च की है और उसे हकीकत में बदल भी रहे हैं। जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने का जो उनका संकल्प है वो कर रहे हैं। इसलिए चुनाव के लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, लोग खुद ब खुद चाहते हैं कि यही सरकार फिर से आए, फिर से माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने और गठबंधन की सरकार बने, ताकि कोई उनको खाली चुनावी जुमला सुनाकर बाद में नहीं ठग पाए। जी, नवंबर में चुनाव की घोषणा होने की बात हुई, चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चुनाव के दहलीज पर तो जेएमएम कितनी तैयार है आज के समय चुनाव के लिए? देखिए, अक्टूबर में घोषणा होने की संभावना है, दुर्गा पूजा के ठीक बाद में या बीच में, ऐसा सुनने को आ रहा। चुनाव आयोग से अधिकारीगण भी झारखंड में जाके सर्वे करके आए हैं, तो जो भी हो हमेशा माननीय हेमंत सोरेन जी तैयार रहते हैं, क्योंकि वो हर दिन काम करते हैं और उन्होंने एक संकल्प लिया था कि जब हमारा राज्य प्राकृतिक रूप से इतना समृद्ध है, पूरे देश को हम लोग खनिज संपदा सप्लाई करते हैं और हमारे यहाँ के लोग, हमारी महिलाएं, हमारे युवा इतने कर्मठ हैं, इतने प्रतिभाशाली हैं कि देश भर में उनकी पूछ है, तो ऐसे में अगर हम अपने यहाँ के लोगों को सशक्त कर दें, युवाओं को, महिलाओं को, तो निश्चित रूप से हमारा राज्य इस देश का नंबर वन राज्य बन सकता है, जो कि अभी पिछड़े राज्यों में से एक है। तो उसी को सामने रखकर उन्होंने कोविड के समय से लेकर अब तक जितना काम किया है, भले ही भाजपा उन्हें बार बार परेशान किया है, ईडी सीबीआई का डर दिखा के घंटों पूछताछ की है, 5 महीने तक बिना किसी सबूत के ईडी के माध्यम से उन्हें जेल में डाल दी, लोकसभा चुनाव में उन्हें बाहर नहीं आने दिया गया, उनको मुख्यमंत्री पद से रिजाइन करने के लिए बाध्य किया गया, इसके बावजूद जितना काम उन्होंने कर दिया है, भाजपा उसके आसपास कहीं नहीं है और चुनाव इस बार